SGX Nifty को देखते हैं एग्जैक्टली क्या कर रहा है इसमें। तीन अंकों पर करीब 7,570 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। हमारे पैनल में इस बीच एक और मेहमान जुड़े हैं, मिस्टर संजीव भसीन। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। भसीन साहब, ये दो दिन की जो सप्लाई आ रही है FIs की, और दो दिन से हम अनवाइंडिंग मोड में हैं, आज 7500 के बेहद नज़दीक हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये सप्लाई अभी कितने समय और जारी रहेगी, और अभी क्या लॉन्ग ट्रेड से बचना चाहिए भसीन साहब? हाँ, गुड मॉर्निंग वरिंदर। देखिए, एक तो हमें पता है अप्रैल का महीने में छुट्टियां काफी हैं, साथ में हमें पता है कि अर्निंग सीजन जो है वो अब ऑन द एनुअल है। इंफोसिस के रिजल्ट नेक्स्ट वीक से हैं, और थर्डली एक बड़ा इवेंट था जो आरबीआई पॉलिसी थी वो भी डिस्काउंट हो गई है। फोर्थली ग्लोबल क्यूज जो है वो भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में है, वेयर डाओ हैज गिवन अप ऑल द गेन्स फॉर कैलेंडर ईयर 2016। तो आई थिंक ये कॉशन थोड़े दिन और रह सकती है। हमें लगता है 7300 एक बॉटम है, लेकिन 7300 और 7500 के बीच में, या यहाँ से आपको स्टॉक सिलेक्शन करनी है और कन्विक्शन के लिए बाय करना है फॉर द नेक्स्ट फोर्टनाइट एंड बियॉन्ड दैट। हमें लगता है ये अगले हफ्ते 10 दिन तक ये बिकॉज ऑफ हॉलीडे शॉर्ट एंड ये चल सकता है, लेकिन हमारा बेंट ऑफ माइंड वही है कि बाय ऑन डिप्स एंड अक्यूमुलेट। जहाँ पे आपको रह गए थे लेने के लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है बिकॉज ऑफ एक्सेस फियर and slight bit of redemption from ETFs on the foreign institutional side, जो आपको थोड़ा सा एक negative bent of mind में है। However, undertone remains strong and most people are very very bullish, so buy the dips is the call for the next fortnight. इसके अलावा आज के सेशन में बैंकिंग स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे, खासतौर पे सरकारी बैंक, क्योंकि आज बैंक बोर्ड ब्यूरो की पहली बैठक है और सात मेंबर्स इस पूरे ही बोर्ड में शामिल हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन विनोद राय। और माना जा रहा है कि जो फोकस एरियाज रहेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के, उसमें कई सारी चीजें शामिल हैं। इम्पॉर्टेंट जो रहेंगे उनमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट तो ये रहेगा कि जो ब्रॉड लेवल पर अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लेकर कैसे आगे प्रोसीड करना है, ये एक एजेंडा रहेगा। साथ ही साथ कंसोलिडेशन एक मुख्य वजह है, बैंकों की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, फिर कैपिटल रेजिंग प्लान्स, उनको कैसे फर्म अप किया जाए, तो ये कुछ फोकस एरियाज रहेंगे बैंक बोर्ड ब्यूरो के। और आज पहली बैठक है और इस बैठक में आरबीआई गवर्नर समेत जो वित्त राज्य मंत्री है जयंत सिन्हा वो भी मौजूद रहेंगे। मिस्टर भसीन, सरकारी बैंकों पर अभी आपकी राय क्या है, और बैंक ब्यूरो का गठन और जो फोकस एरियाज है बैंक बोर्ड ब्यूरो के, फिर चाहे वो ब्रॉड लेवल मैनेजमेंट के हों, बैंकों की वित्तीय हालत सुधारने को लेकर हों, कैपिटल रेजिंग को कैसे फॉर्म अप किया जाए, ये कितना महत्वपूर्ण रहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए दीपाली, बहुत आपने देखा है कि इनमें काफ़ी वॉलीटिलिटी रही है इन द लास्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोविजनिंग एंड AQR नॉर्म्स। वो बहुत ही पॉजिटिव है क्योंकि क्लेंजिंग आउट प्रोसेस इज इन द मेकिंग। सेकेंडली, इस तिमाही के लिए ऐसे दिग्गज बैंक हैं स्टेट बैंक, PNB, जो अभी भी वीकनेस दिखा सकते हैं क्योंकि उनका पूरा NPA प्रोविजनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। एक क्वार्टर और था जहाँ पे अब रिजल्ट्स आएंगे। ऑन दी अदर हैंड, स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, जिन्होंने ऑलरेडी गाइडेंस दे दी कि उन्होंने क्लेंजिंग आउट कर दिया, आगे के लिए पॉजिटिव है। एक सेकेंड, बॉन्ड यील्ड्स एट 7.43 ये बता रहे हैं ट्रेजरी प्रॉफिट एंड मार्क टू मार्केट गेन्स विल बी वेरी वेरी स्मार्ट फॉर मोस्ट ऑफ द PSU बैंक। थर्डली, गवर्नमेंट इज टेकन द बुल बाय द हॉर्न्स, वो यहाँ पे हर तरह से, एक तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने के प्रोसेस में है, चाहे बैंक ब्यूरो बोर्ड हो, मिस्टर विनोद राय हैं, ये सब इम्पेकेबल मैनेजमेंट्स हैं, मिस्टर जयंत सिन्हा जेटली, मिस्टर अरुण जेटली, और वो एक क्लेंजिंग आउट प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन, और चाहे एसेट रिकॉल, जहां आप देख रहे हैं कि विजय माल्या से लेके टाटा स्टील सब पे दबाव है कि अपने डेट को कम कीजिए, बैंकों की हालत पे और सुधार चाहिए। सो ऑल इन ऑल वेरी वेरी पॉजिटिव। जहां भी आपको डिक्लाइन मिले बिकॉज ऑफ वीक रिजल्ट्स, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अगर आप 6 महीने का व्यू लेके चले तो हमें लगता है PSU बैंक्स विल बी मच मच बेटर पोजिशन देन दे आर टूडे।